आई, उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी, और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। जयपुर में समान नागरिकता संहिता को लेकर देश भर में लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इस बीच सोमवार को जयपुर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सामाजिक संगठनों ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता में सामाजिक संगठनों ने बताया कि केंद्र सरकार इस तरह के बिल लाकर देश को तोड़ने का काम कर रही है। ऐसे में सरकार किसी को बाध्य नहीं कर सकती। पहले भी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकार में कई बिलों पर पुनर्विचार किया गया था। और अब सबसे अस्तित्व से ही इस गुलदस्ते की खूबसूरती बरकरार रह सकती है। मौजूदा दौर में यूसीसी के नाम से जो शिगुफा छोड़ा जा रहा है, वो मुल्क की अन्य गंभीर समस्याओं से ज्यादा अहम नहीं। राजाराम मिल ने कहा कि सामाजिक विभाजन के लिए इस तरह के बिल लाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि आज महंगाई आसमान की बुलंदियों पर है। श्री डूंगरगढ़ की छात्रा का अपनी शिक्षिका के साथ घर से निकलने की घटना ने शहर को शांतिपूर्ण सांप्रदायिक माहौल को एक बार खराब करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन और यहां के वरिष्ठ जनों ने ऐसा होने नहीं दिया। सुबह ही दोनों युवतियां, एक वीडियो यूट्यूब पर वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रही है कि वो अपनी मर्जी से गई है, घर वालों को किसी भी तरह से परेशान ना किया जाए। हालांकि डीपीके न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। श्री डूंगरगढ़ प्रशासन लगातार उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत के निजी सचिव रहे बहादुर सिंह राठौर ने सोमवार को अपने पुत्र रघुराज सिंह का 5वां जन्मदिन अनूठे तरीके से मनाया। उन्होंने 100 पौधे लगाए, वहीं 250 मेहमानों को एक पौधा दिया। यह कार्यक्रम जयपुर के कानोता कैंप रिजॉर्ट में हुआ। समारोह में जयपुर के कई प्रमुख लोग पहुंचे। बहादुर सिंह राठौर ने कहा कि उनका पोते का पेड़ पौधों से काफी लगाव है, वहीं घर के लगे पौधों के साथ खेलता रहता है। कराना शहर में बिजली की समस्याओं से परेशान होकर सोमवार को नागरिकों ने शहर के पास स्टैंड बाईपास मार्ग पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि बस स्टैंड के पीछे वार्ड संख्या 14 मदीना कॉलोनी में रविवार रात्रि से बिजली नहीं, जिससे परेशान होकर वार्ड की महिलाओं व लोगों ने सोमवार दोपहर करीब 1 बजे बाईपास रोड बस स्टैंड के पास जाम लगा दिया। से दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई। सूचना मिलने पर मकराना थाना के हेड कांस्टेबल मोहम्मद सईद मियाजाप्पे के साथ मौके पर पहुंचे। कासगंज ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव व शहीद पत्रकार वीरेश कुमार गुप्ता की 19वीं पुण्यतिथि पर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन द्वारा कर्मठ व न्यायप्रिय अधिकारी व पत्रकारिता क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकारों को सम्मानित किया। इसी क्रम में आज ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पटियाली क्षेत्र अधिकारी श्री दीप कुमार पंत को पुलिस प्रशासन के किए गए उस सराहनीय कार्य व पत्रकार उत्पीड़न के मामले में बड़े गंभीरता व निष्पक्ष तरीके से निस्तारण किया।
पत्रकारों को हर संभव सहयोग करने के लिए शहीद पत्रकार वीरेश कुमार गुप्ता स्मृति सम्मानित किया गया। जनपद कासगंज के कस्बा मापुर के ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद सोमवार को कक्षा 1 से 8 तक परिषदीय अन्य विद्यालय खुल गए। बच्चों ने शिक्षण संस्थाओं की दहलीज पर मत्था टेका, पहले क्लासरूम और सीटों पर पहुंचकर पुरानी यादें ताजा की। इस मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश को लेकर विद्यालय बंद हो गए थे, इसके बाद शासन ने जून माह में दो बार अवकाश बढ़ा दिया था। स्कूलों का माहौल भी बदला नजर आया। कई अभिभावकों ने बारिश और गर्मी की वजह से स्कूलों बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, तो वहीं छुट्टी में बाहर घूमने गए बच्चे भी स्कूल नहीं पहुंच पाए। सुबह 7 बजे से यूनिफॉर्म में स्कूल जाते बच्चों की मस्ती देखने को मिली। 47 दिन बाद खुले स्कूलों में शिक्षकों का भी उत्साह कम नहीं था। बिजनौर के चांदपुर में पुलिस व बदमाशों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई। सीओ चांदपुर ने बताया कि 3 जुलाई को चांदपुर पुलिस द्वारा शुगर मिल चौकी पर बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही थी। चांदपुर की ओर से आ रही 10 गाड़ी में 4 बदमाश थे। उन बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की और भाग गए। इन दोनों बदमाशों ने अपना नाम धनु कुमार व अनुज वर्मा बताया। इन बदमाशों का आपराधिक रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। आम आदमी को एक बार फिर महंगाई की मार पड़ने वाली है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने मंगलवार को कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 7 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी कर दी। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। आमतौर पर देखा गया कि एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि महीने की शुरुआत में की जाती है। अगर पूरे देश की बात की जाए तो मुंबई में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 1732 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है। झालावाड़ कांग्रेस के पूर्व मंत्री व सांगौर विधायक भरत सिंह सोमवार को झालावाड़ जिले के एक दिवसीय दौरे पर। इस दौरान एक निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व विधायक भरत सिंह ने राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और खान व गोपालन मंत्री प्रमोद जैन बाया को आड़े हाथों लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत को नसीहत देते हुए पार्टी में युवाओं को आगे बढ़ाने की बात कही। इस दौरान कहा कि मुख्यमंत्री को अब यह घोषणा करनी चाहिए कि अगला मुख्यमंत्री वो नहीं कोई युवा होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा।